जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरे लिए पहले मेरा देश आता है और उसके बाद मेरा राज्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भोज और स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल बॉलीवुड स्पाई में, जो कि है आप लोगों का चैनल। वाओ वाओ वाओ, व्हाट अ माइंड बॉगलिंग ट्रेलर ऑफ ठाकरे। जी हां दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन गए हैं बाला साहेब ठाकरे जी, और ठाकरे जी के रूप में वो आ रहे हैं 25 जनवरी को सिनेमा घरों में हिंदी और मराठी में। आपको बता दूं दोस्तों, बाला साहब ठाकरे एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे और उनके मतलब लोग उनको लिटरली पूछते थे। उन्होंने जो है महाराष्ट्र में मुंबई में लोगों को उनके हक के लिए लड़ना सिखाया, उन्होंने लोगों को जगाया। और जो भी ये सारी चीजें हुई हैं, मतलब अगर महाराष्ट्र का डेवलपमेंट जो हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, मुंबई का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसके लिए जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है वो बाला साहब ठाकरे जी को ही जाती है, जिस पर फिल्म लेकर आ रहे हैं अभिजीत पनसे जी। और इस फिल्म के अंदर दोस्तों हमें जहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में दिखेंगे, वहीं साथ ही साथ अमृता राव भी दिख रही हैं। जी हां, इसका जो फुल फ्लेज ट्रेलर आया है उसमें जो डायलॉग्स है वो आप सुनिए, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, लिटरली एक देशभक्ति का जज्बा जाग जाएगा। लेकिन जो लोग जितने बड़े होते हैं दोस्तों, जितने ऊंची औदी के होते हैं, उनके साथ साथ कॉन्ट्रोवर्सीज भी बहुत सारी जुड़ी होती हैं। और अगर बात करें हम बाबरी मस्जिद वाले केस के बारे में या फिर मुंबई के दंगों के बारे में, इन सारी बातों को फिल्म के अंदर पिरोया गया है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और जानना चाहता हूं कि बाला साहब ठाकरे जी का उस वक्त क्या रोल था, उन्होंने किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा किया था। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं, ये फिल्म एक गर्व की फिल्म होने वाली है, जो कि पूरे नॉट इवन महाराष्ट्र ओनली बल्कि पूरे इंडिया में एक गर्व की लहर दौड़ाएगी और एक मोटिवेशन लेकर आएगी कि देखिए, एक इंसान ऐसे भी थे जो कहां से कहां तक की जर्नी करके आते हैं। और आज मतलब लिटरली मुंबई में तो देख सकते हैं शिवसेना जिस तरीके से गरजती है, जो चीजें गलत होती हैं उनके खिलाफ वो आवाज उठाती हैं। तो भाई मानना पड़ेगा इस फिल्म के अंदर स्पेशली जो डायलॉग्स बोल रहे हैं वो, कि मैं अपने जो जुनून की कहानी है वो पसारों के लहू में दौड़ाऊंगा, मेरे जो कहानी है वो सबके लहू में दौड़ेगी, जो कि सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, घूसबम्स क्रिएट करता है। और सबसे बड़ी बात है फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू, तो भाई वायाकॉम की फिल्म है तो डेफिनेटली फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू हाई है, और 25 जनवरी को आ रही है तो भाई देशभक्ति की तो फीलिंग ये लाएगी लाएगी। मैं इंटरेस्टेड हूं क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी बने हैं बाला साहब ठाकरे जी, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आपको क्या लगता है? अच्छा हाँ, फिल्म जो है वो हिंदी और मराठी में होगी, तो बेसिकली मुंबई और उसके आसपास के महाराष्ट्र में मराठी में रिलीज होगी और हिंदी में भी होगी, और रेस्ट ऑफ द इंडिया ये हिंदी में रिलीज होगी। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस बायोपिक को किस तरीके से ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स मिलेगा। वेल, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, बॉलीवुड स्पाई की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, एंड ठाकरे जो ये बायोपिक है ये डेफिनेटली रॉक करेगी। आपके क्या कमेंट्स है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और बने रहिए मेरे साथ, राहुल भोज आपको अपडेट करता रहेगा।